सर्दियों के मौसम में करें घरेलू उपाय, बीमारियों से बचे रहेंगे आप, जरूर सुने। आइए जानते हैं। नंबर एक, अजवाइन का काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में पानी लें और गैस पर चढ़ाकर उबाल लें। इसके बाद जब पानी हल्का गर्म हो जाए तब उसमें अजवाइन और हल्दी डाल दें। इस पानी को तब तक गैस पर उबलने दें जब तक पानी आधा ना बचे। अब इसे छन्नी की मदद से गिलास में छान लें। आप चाहें तो इस काढ़े में नींबू या फिर सिरका भी मिला सकते हैं। आपका काढ़ा बनकर तैयार है। हालांकि ध्यान रखें कि काढ़ा पीने का तरीका बाकी सिंपल पानी पीने से अलग है। आपको इसे थोड़ा थोड़ा करके पिएं। नंबर दो, तुलसी के पत्ते को अच्छे से धुले, अदरक को भी और छिलके सहित ही रखें। नंबर तीन, अब अदरक, दालचीनी और काली मिर्च को इमाम दास्ते में कूट लें। पैन में 3 कप पानी डालें, गैस ऑन कर दें। नंबर तीन, अब कूटे हुए अदरक, दालचीनी और काली मिर्च को पैन में डालें। नंबर चार, अब इसे तब तक उबालें जब तक पैन का पानी 2 कप ना हो जाए। फ्लेम स्लो रखें। जब काढ़ा 2 कप हो जाए तब इसे छन्नी से छान लें और गर्मा गर्म ही पिएं। इसमें चीनी या गुड़ नहीं डाला है। आप चाहें तो गुड़ या चीनी या फिर नमक भी इसमें डालकर बना सकते हैं। इस तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर तुलसी अदरक वाला काढ़ा आप बना सकते हैं। नंबर 6, यूं तो बाजार में सर्दी जुखाम के इलाज के कई तरीके और दवाएं मौजूद हैं, लेकिन इन घरेलू उपायों को अपनाकर आप बिना किसी साइड इफेक्ट के राहत पा सकते हैं। नंबर 7, काम की वजह से अगर आपका सिर भारी हो रहा है तो अजवाइन को गर्म करके एक पोटली बना लें। इसे बार बार अपनी हथेली पर रगड़े और सूंघे, इससे राहत मिलेगी। नंबर 8, अगर सर्दी की वजह से हल्का बुखार महसूस हो रहा है तो अजवाइन को 2 कप पानी में उबालें। जब ये 1 कप रह जाए तो इसमें गुड़ भी डाल दें। कुछ देर पकाने के बाद इस मिश्रण को पी लें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। नंबर 9, तुलसी काली मिर्च से काढ़ा तैयार करें, इसे गर्मा गर्म पिए। इसे पीने से गले की खराश तो कम होगी ही, साथ ही संक्रमण भी दूर हो जाएगा। नंबर 10, दालचीनी और जायफल को बराबर मात्रा में पीसकर सुबह शाम शहद के साथ चाटना भी सर्दी जुखाम में फायदेमंद होता है। नंबर 11, 1 चम्मच प्याज के रस में आधी मात्रा में शहद मिलाकर चाटना भी सर्दी जुखाम में फायदेमंद होता है। नंबर 12, खांसी के इलाज में प्रभावी इस शहद के चाय को बनाने के लिए 2 चम्मच शहद को गर्म पानी या किसी हर्बल चाय के साथ मिलाएं। इस मिश्रण को पानी में 1 या 2 बार पिएं। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शहद ना दें। नंबर 13, गले में खराश और गीली खांसी के इलाज के लिए ये सरल उपाय सबसे प्रभावी है। नमक का पानी गले के पिछले हिस्से में कफ और बलगम को कम करता है, जिससे खांसी ठीक हो सकती है। 1 कप गर्म पानी में 1/2 छोटा चम्मच नमक तब तक मिलाएं जब तक घुल ना जाए। गरारे करने के लिए इस्तेमाल करने से पहले घोल को थोड़ा ठंडा होने दें। मिश्रण को कुछ क्षण के लिए गले के पिछले हिस्से पर लगा रहने दें। खांसी ठीक होने तक दिन में कई बार नमक के पानी के गरारे करें। नंबर 15, छोटे बच्चों को नमक का पानी देने से बचें, क्योंकि वे ठीक से गरारे नहीं करने में सक्षम नहीं होते हैं और नमक का पानी निगलना खतरनाक हो सकता है। नंबर 16, सर्दी के दिनों में बाजरे की रोटी खाने का बहुत फायदा मिलता है। ये शरीर को तो गर्म रखता ही है, साथ ही में बाजरे की रोटी में प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए अच्छे होते हैं। ठंड से बचने के लिए बच्चों को तो बाजरे की रोटी खिलानी ही चाहिए। नंबर 17, सर्दियों में सूप भी बेहद कारगर है। खाने में अदरक के प्रयोग, शरीर तो गर्म होता ही है, साथ में पाचन क्रिया भी अच्छी होती है। नंबर 18, सर्दियों के दिनों में आंवला का सेवन
किसी अमृत से कम नहीं। ये डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आंवला तो प्राचीन आयुर्वेदिक प्रणाली में कई तरह के रोगों के इलाज के लिए लगभग 5000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। आंवले में विटामिन सी, विटामिन ए बी, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और डायूरेटिक एसिड होते हैं। आंवला और मूंगफली सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये थी आज की वीडियो। तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर